हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कॉम्प्लिकेटेड कंप्यूटर चैनल में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं T10 लीग में आज खेले जाने वाले 13वें मुकाबले के बारे में, जो कि पख्तूनख्वा वर्सेस बंगाल टाइगर के बीच खेला जाएगा। बात करेंगे दोनों ही टीमों की तरफ से क्या हो सकते हैं बेस्ट प्लेयर, और दोनों ही टीमों की रिसेंट परफॉर्मेंस के आधार पर बनाएंगे अपनी ड्रीम इलेवन की एक टीम। तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखें, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दे। और मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी वीडियो रिकॉर्ड करने में, क्योंकि सर्दी से के कारण और बुखार के कारण मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब है। तो उम्मीद है कि आप लोग बात को समझेंगे, और थोड़ी सी गलत कुछ थोड़ी सी गलती भी हो जाएगी अगर बोलने में, तो आप मैनेज कर लेंगे। बता देते हैं कि आप मैच डिटेल्स यहाँ से देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे पूरी की पूरी मैच इन्फॉर्मेशन दे दी है। यह मुकाबला जो है शारजा क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं बता दें आपको दोनों ही टीमों की तरफ से क्या होंगी प्लेइंग इलेवन। तो बंगाल टाइगर्स की तरफ से सुनील नारायण, जयसन रॉय, चिराग सूरी, सैम बिलिंग्स, लुक राइट, सेफरन रदरफुट, मोहम्मद नबी, अमीर यमीन, मॉर्नी मोरकल, मुजीबुर रहमान और अली खान। तो ये हो सकते हैं बंगाल टाइगर्स की तरफ से प्लेइंग एलेवन। वहीं बताते आपको पख्तूनख्वा की तरफ से, तो कैमरन डेलपोर्ट, एंड्रे फ्लेचर, कॉलिन ग्राम, शाहिद अफरीदी, डेविड विली, सैफुद्दुल्ला शफीक, लैम डिविसन, सोहिल खान, सैफुद्दीन अशरफ, मोहम्मद इरफान और ताज वली। तो ये हो सकते हैं पख्तूनख्वा की तरफ से प्लेइंग एलेवन। वही बता दें दोनों ही टीमों की तरफ से क्या रहेंगे की प्लेयर्स, स्टार प्लेयर्स जो आपको इस मुकाबले में लेके चलने हैं, या जिनके इर्द गिर्द आपको टीम बना के चलनी है, जो आपको इस मैच में काफ़ी अच्छे पॉइंट स्कोर करा के दे सकते हैं। तो देख लेते हैं दोनों ही टीमों की तरफ से। तो पख्तूनख्वा की तरफ से बता दें आपको, तो आंद्रे फ्लेचर, सैफुद्दुल्ला शफीक, कैमरन डेलपोर्ट, कॉलिन ग्राम। उसके बाद बंगाल टाइगर्स की तरफ से बात करें तो सुनील नारायण, जेसन रॉय, लुक राइट, सैफरन रदरफुट। तो ये हो सकते हैं दोनों ही टीमों की तरफ से की प्लेयर्स जो अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, और आप बिल्कुल इन प्लेयर्स के इर्द गिर्द टीम बना के चल सकते हैं, या इनमें से सब अधिक प्लेयर्स को अपनी टीम में ज़रूर रखें। तो देख लेते हैं क्या रहेगी ड्रीम इलेवन की टीम हमारी इस मुकाबले के लिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या रहेगी हमारी ड्रीम इलेवन की टीम इस मुकाबले के लिए। बात करते हैं सबसे पहले विकेट कीपिंग सेक्शन की। तो पिछले मुकाबले में चंद्री वाल्टन को नहीं खिलाया गया था। यहाँ पे सैम विलिंग्स और सैफुद्दुल्ला शफीक को। आपके पास ऑप्शन की बात करें तो सैफुद्दुल्ला शफीक है और सैम विलिंग्स है, और मेरी मानिए तो अगर आप हेड टू हेड और स्मॉल लीग के लिए सैफुद्दुल्ला शफीक ही काफ़ी अच्छे पिक होंगे, क्योंकि पिछले मुकाबले में आप देख सकते हैं कितना अच्छा प्रदर्शन किया था इन्होंने, और इस मुकाबले में 82% लोगों ने इन्हें पिक किया। आप जाना चाहें तो सैम विलिंग्स के साथ जा सकते हैं, लेकिन मेरी तरफ से सैफुद्दुल्ला शफीक ही आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। वहीं बात कर लेते हैं बैटिंग सेक्शन की। तो बैटिंग सेक्शन से देखिए, यहाँ से मैंने पिक किया है जेसन रॉय को, एंड्रे फ्लेचर को, कैमरन डेलपोर्ट को और सैफरन रदरफुट को। आपके पास ऑप्शन की बात करें तो कॉलिन ग्राम ऑप्शन थे, शायद इनको खिलाया नहीं जाएगा, चांसेस कम है, अगर हो सकता है तो इन्हें इस मैच में बिठाया भी जा सकता है अगर चेंजेस देखने को मिले तो ये थोड़े रिस्की हो सकते हैं मेरे हिसाब से। हालांकि खेलने के चांसेस अब देखना होगा क्या होता है प्लेइंग एलेवन, उसके बाद ही थोड़े से रिस्की हो सकते हैं कॉलिन ग्राम। वहीं आपको बता दें कि यहाँ पे जेसन रॉय और आंद्रे फ्लेचर आपको तो पिक करके चलना ही चलना है, क्योंकि काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करते हैं और काफ़ी अच्छे बैट्समैन हैं। पिछले मुकाबले में कैमरन डेलपोर्ट जो थे रन आउट हो गए थे, तो उम्मीद है काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं तो और प्रदर्शन भी अच्छा कर सकते हैं इस मुकाबले में। आप चाहे तो इसे ग्रैंड लीग में आज मेरे हिसाब से आप इन्हें कैप्टन या वाइस कैप्टन जरूर ही ट्राई करें कैमरन डेलपोर्ट को, क्योंकि आज आपके लिए काफ़ी अच्छे पिक होंगे कैमरन डेलपोर्ट। वहीं आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन है लुक राइट और जाके सैफरन रदरफुट को, तो आप देख लीजिए दोनों में से किन के साथ जाना चाहें। आप अगर लुक राइट के साथ जाना चाहें तो आपको सैफरन रदरफुट को ड्रॉप करना पड़ेगा, और आप सैफरन रदरफुट के साथ जाएँ तो लुक राइट को ड्रॉप करना पड़ेगा। हालांकि आप चाहें तो यहां से ऑलराउंडर में से एक ऑलराउंडर को ड्रॉप करके यहां से लुक राइट को ले सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। आप जाना चाहें तो बिल्कुल जा सकते हैं, काफ़ी अच्छे प्लेयर है और पिछले मुकाबले में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था। ऐसे मैंने आमिर यामीन को लिया है ऑलराउंडर में, सुनील नारायण, शाहिद अफरीदी और आमिर यामीन। आप एक चेंजेस कर सकते हैं, यहाँ से आमिर यामीन को ड्रॉप करके मोहम्मद नबी को ले सकते हैं,
तो आपको कुछ क्रेडिट बच जाएगा, तो बॉलिंग में कुछ अच्छे बॉलर्स लेने में आपको मदद हो जाएगी। तो आप बिल्कुल ही ऐसा कर सकते हैं यहाँ से। लेकिन मैंने अमर यामिन को पिक किया है, आप जाना चाहें तो बिल्कुल ही जा सकते हैं। वहीं बात कर लेते हैं बॉलिंग सेक्शन की, तो बॉलिंग में मैंने पिक किया है मुजीबुर रहमान को, सोहेल खान को, और क्रेडिट ना होने के कारण मैंने यहाँ से पिक किया अली खान को। लेकिन काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, ये भी अच्छे प्लेयर हैं। देखिए पिछले मुकाबले में 12% लोगों ने लिया था, इस मुकाबले में 46% लोगों ने लिया है। अगर क्रेडिट अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो आप यहां से मोहम्मद इरफान को पिक कर सकते हैं, बिल्कुल ही काफ़ी अच्छे पिक हो सकते हैं आपके इस मुकाबले के लिए। अगर आप मोहम्मद इरफान को लेना चाहते हैं तो आपको बस यहां से आमिर यामिन को ड्रॉप करके मोहम्मद नबी को पिक करना होगा यहां से, और यहां से मोहम्मद इरफान को ले सकते हैं। और लैम डेविडसन के साथ आप जाना चाहते तो जा सकते हैं, 3 पॉइंट दिया था पिछले मुकाबले में, बहुत कम ही लोग मेरे हिसाब से जाएंगे इस मुकाबले में इनके साथ। तो देखिए अब बता देता हूँ, ग्रैंड लीग के लिए अगर आप ट्राई करना चाहें तो क्या कर सकते हैं। किसी ने पिछले मुकाबले में बोला था कि कमेंट करके कि ग्रैंड लीग की टीम भी बताया करो, तो मैं बता देता हूँ ग्रैंड लीग में अगर आप ट्राई करना चाहो तो क्या कर सकते हो। ग्रैंड लीग में अगर आप ट्राई करना चाहो तो यहाँ पर कॉलिन इंग्राम को ट्राई कर लेना, देखिए जेसन रॉय एंड्रे फ्लेचर को रखना यहाँ से, और कैमरन डेलफोर्ट कैप्टन वाइस कैप्टन के चॉइस रहेंगे ग्रैंड लीग के लिए। और बता दूँ यहाँ से लुक राइट को ट्राई कर लेना, उसके बाद चुराग सूरी भी हो सकते हैं ग्रैंड लीग में पिक कर सकते हो। उसके बाद आप चाहना दो यहाँ से मोहम्मद नबी ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो आप इन्हें। और यहाँ से बॉलिंग में बता देता हूँ ग्रैंड लीग में इस किन प्लेयर को ट्राई कर सकते हो, यहाँ से सैफुद्दीन अशरफ, ये अच्छे पिक हो जाएंगे ग्रैंड लीग के लिए आपके। केविन कूपर अच्छे पिक होंगे ग्रैंड लीग के लिए आज के मुकाबले के लिए, और जहीर खान। तो ये कुछ प्लेयर हैं जिन्हें आप ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं। देख लेते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए सबसे सेफ ऑप्शन जेसन रॉय एंड्रे फ्लेचर, अगर इनके बाद आप किसी के साथ जाना चाहें तो यहाँ से एंड्रे कैमरन डेलपोर्ट, या आप जाना चाहें तो सुनील नारायण के साथ जा सकते हैं, या शाहिद अफरीदी के साथ जा सकते हैं। सुनील नारायण के साथ भी बिल्कुल जा सकते हैं, ऊपरी क्रम में बैटिंग करने आ जाएंगे जेसन रॉय के साथ, तो काफ़ी अच्छे पॉइंट भी आपको स्कोर करा के दे सकते हैं। वहीं बात करें अगर आप ग्रैंड लीग के लिए जाना चाहें तो यहाँ से कैमरन डेलपोर्ट के साथ कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए भी जा सकते हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छे पिक हो जाएंगे। देख लेते हैं टीम प्रीव्यू, तो ये हमारी टीम रहेगी इस मुकाबले के लिए। आप बिल्कुल ही एक दो चेंजेस करके जाएं, और कैप्टन वाइस कैप्टन चाहे तो चेंज करके जा सकते हैं या सेम जा सकते हैं, लेकिन एक दो चेंजेस जरूर करके जाएं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा, प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें, और इस वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।